नमस्कार, मैं रितिन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में ठंड को लेकर। पिछले कुछ दिनों से मौसम में हो रहे बदलाव के कारण प्रदेश में इन दिनों लोगों को सुबह और शाम में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि नवम्बर महीने में ही इस बार ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार राज्य में नवम्बर से ही ठंड पड़ेगी। इस सप्ताह की तुलना में नवम्बर मध्य में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक नीचे आने की संभावना है। विशेषकर रात में कड़ाके की ठंड पड़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से बिहार के तापमान में कमी आने के साथ साथ मौसम की दिशा में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि उच्चतम तापमान में इन दिनों कमी नहीं आएगी, यानी कि इसका साफ मतलब है कि दिन के तापमान में आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखाई देगी, लेकिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है, वो भी रात में न्यूनतम तापमान में, जिसके चलते जो है लोगों को गलन जैसी महसूस होती है, यानी कि उसमें जो है ठिठुरन की संभावना जो है ज़्यादा देखने को मिल सकती है। IIMD पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की माने तो आशीष कुमार ने कहा है कि 13 नवंबर से पारा अचानक से नीचे आ जाएगा। बिहार में पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक ठंड पड़ने की पूरी संभावना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने कहा है कि पहला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, दूसरा बिहार में मॉनसून की वापसी सामान्य समय से 10 दिन बाद हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश के आसमान में बन रही मौसमी दशा बिहार में अच्छी ठंड का संकेत दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस साल पिछली बार की तुलना में कोहरा भी अधिक देखने को मिलने वाला है। नवंबर मध्य में बिहार में औसतन न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। हालांकि अधिकतम तापमान में यह अभी औसतन 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहने की बात कही गई है। हालांकि उच्चतम तापमान में केवल 2 डिग्री की कमी होगी। अधिकतम तापमान अभी 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, यह 28 डिग्री सेल्सियस तक आ सकने की संभावना जो है वो जताई है। यानी कि एक अनुमानिक डाटा जो मौसम विभाग की तरफ से इन दिनों जो जारी किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है 28 से 30 डिग्री तक के जो है तापमान इन दिनों आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे खेती को फायदा होगा। डॉक्टर सत्तार के अनुसार अगर हम माने तो अधिक ठंड पड़ने से कोहरा भी अधिक होगा, जिससे कि रबी फसलों के लिए जो है यह एक कारगर साबित होने की बात कही गई है। वहीं अगर हम बता दें कि बिहार में इस बार मॉनसून की वापसी देरी से हुई है, इस वजह से बिहार में ठंड का असर पहले से ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। सुबह जल्द कोहरे भी देखने को मिलेंगे। वहीं मॉनसून की वापसी में देरी से बिहार में कई सब तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि पटना सहित देश के कई अलग राज्यों में डेंगू जैसे बीमारी का जो है कहर देखने को मिला। जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा था कि पूरी कॉलोनियां कोरोना से प्रभावित हुई थी, उसी तरह से इस बार जो है राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के जितनी भी शहरें हैं, जो बड़ी शहरें हैं, वहां पे भी जो है डेंगू का कहर इस बार ज़्यादा देखने को मिला है। उसका एकमात्र कारण है मॉनसून के देर से जाने का। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार हवा के रूख में बदलाव होने के कारण राजधानी पटना के साथ साथ अन्य इलाकों में लोगों को ठंड का एहसास होने वाला है। पहले प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह था, जिसके कारण मौसम शुष्क बना हुआ था, लेकिन पूर्वा हवा के कारण अब स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि मौसम में बदलाव होने के कारण सर्दी, खांसी और बुखार होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इधर डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम के बीच में आपको अपने सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टरों का कहा है कि इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या होती है। ऐसे में लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो एक तरह से कहें कि मध्य नवंबर में एक बार फिर से जो है प्रदेश में ठंड का मौसम जो है वो आगे बढ़ने वाला है, यानी कि तापमान में कमी देखेगी। ऐसे में आपको अपने स्वेटर और कंबल निकालने की ज़रूरत है। तो ये था प्रदेश में मौसम से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।